नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। शहर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए 1 अप्रैल से शुरू की जानी है सिटी बस सेवा। इसी के लिए आज जज्जी बस स्टैंड स्थित गुमटियों को हटाया गया। आज दोपहर हंगामेदार रही जब एक और नगर पालिका की टीम दुकानें को हटवा रही थी, वहीं दुकानदार इस बात से आक्रोशित थे कि उन्हें पहले नोटिस नहीं दिया गया। जब इस बारे में नगर पालिका कर्मी से बात करना चाहिए तो उनका कहना था कि ये जमीन नगर पालिका की है और इसको खाली कराने के लिए किसी को नोटिस नहीं दिया जाता। वहीं दुकानदारों की माने तो उन्हें बिल्कुल भी दुकानें हटाने का समय नहीं दिया गया। बाद में ताबड़तोड़ उनकी दुकानें तोड़ना शुरू कर दी गईं। आपको बता दें कि जिस जगह पर यह अतिक्रमण हटाया गया वहां पर सिटी बस की बुकिंग ऑफिस बनना है, जिसके लिए बिल्डिंग तैयार होना है। इसी कारण आज नगर पालिका के कर्मचारियों ने यहां से अतिक्रमण हटाया। वहीं समस्या पर है कि गरीब दुकानदार जो रोज कुआं खोदकर पानी निकालते हैं, उन्हें कम से कम थोड़ा समय तो दिया जाना चाहिए था ताकि वह अपना सामान और अपनी दुकानें हटा सकें। चालू होना है, उसका टर्मिनल बना रहे हैं, है ना, कंट्रोल कमांड सेंटर बना रहे हैं। और ये नगर पालिका की भूमि है, इनसे 5-6 बार बोल चुके खाली करने के लिए, आज इन्होंने खाली नहीं की तो हमने द्वारा इनको हटाया गया है। सर, उनका कहना है कि कोई नोटिस है, कोई जानकारी नहीं आने की भूमि है, इसमें कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, ये हमारी जमीन है। और ये अतिक्रमण की जगह तो इनको कोई सूचना भी तो दी सकते हैं। बहुत सूचना दे रहे हैं, 5 डेली आ रहे हैं हम लोग कहने की। कल एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस हादसे में ट्रैफिक थाना प्रभारी मनीष डाबर और उनका ड्राइवर को गंभीर चोटें आ सकती थीं। बताया जा रहा है कि शिवपुरी का एक ट्रक जो कि हनुमान चौराहे से नो एंट्री में शहर की तरफ आ गया, इसे रोकने का प्रयास हनुमान चौराहे पर भी किया गया था, पर वह ट्रक नहीं रुका, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए जस्तम चौराहे पर भी कोशिश की गई, लेकिन यहां भी ट्रक आगे निकल गया। थाना प्रभारी महेश डाबर अपनी गाड़ी में ओवरब्रिज की तरफ पहुंचे, जहां पर ओवरब्रिज पर रोकने के लिए ट्रक चालक ने शासकीय गाड़ी में ही टक्कर मार दी और भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। समस्या परे है कि इस तरह से कैसे कोई ड्राइवर तेज गति में गाड़ी चला सकता है, अगर जरा भी चूक हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि थाना प्रभारी और उनके ड्राइवर को थोड़ी ही चोटें आईं। ये एक ट्रक हनुमान चौराहे से नो एंट्री में आ गया था, तो हनुमान चौराहे पर भी रोकने का प्रयास किया, विसिल बजाई, इसका मतलब इस तरह की जो कर्मचारी ड्यूटी पे लगे थे उन्होंने हाथ से भी इशारा किया लेकिन नहीं रुका। उसके बाद उसने हनुमान चौराहे से पॉइंट दिया कि एक ट्रक नो एंट्री घुसा आ रहा है,
हम लोगों ने जैसे हम भी रोकने का प्रयास किया लेकिन यहाँ पे भी वो नहीं रुका। उसके बाद थाना की मोबाइल से उसका पीछा किया और जाकर के ओवरब्रिज पर उसने साइड दी हम लोगों को और गाड़ी आगे की तो उसने गाड़ी कंट्रोल न करते हुए शासकीय गाड़ी में ही टक्कर मार दी। उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है थाना कोतवाली में और अभी ट्रक आरोपी चालक और ट्रक दोनों पकड़ लिए गए हैं। ये ट्रक शिवपुरी जिले का है, शिवपुरी का है। लोग किसको छोटे हल्की फुल्की चोट आई है, आरक्षक चालक जो है हमारा उसको हल्की फुल्की चोट आई है, वही वही बड़ी घटना। चांचौड़ा थाना अंतर्गत खाकरा गांव में एक बुजुर्ग को दबंगों ने बुरी तरह से लाठियों से मारा। बताया जा रहा है कि करीब एक हफ्ता पहले बुजुर्ग की नातिन दबंग पक्ष के लोग आए जो लगातार उस बच्ची को परेशान कर रहे थे, जिसके चलते बुजुर्ग ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। वहीं लगातार इस परिवार पर मुकदमा वापस लेने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते आज बुजुर्ग को बड़ी बेरहमी से मारा गया। अब मैं लेटरिंग जा रहा हूँ सुबह, तो मैं पता नहीं था कि कोई आदमी आ रहा, तो मतलब पीछे से लाठी मार दी मेरे सिर में पीठ में पैर में ये पता नहीं क्यों मारी है। रंजित तो हंसी पहले से, किससे? 8 दिन पहले से रंजित हंसी को मतलब रिपोर्ट कर दी थी हमने, ये पुलिस ने सुनवाई नहीं करी वही आदमी से। अच्छा, लक्ष्मी नारायण बता देवेंद्र और वो कई नाम है वो एक को रामेश्वर और सुनील और रामकन्या भाई की लड़की रुक्मणी, छह आदमी। ये एक बार पहले हमारे घर पर चढ़ानी करी थी पीछे, अभी 8 दिन पहले घर पर चढ़ानी करी थी उन्होंने, तो हमने कहीं के बल लड़का है पीट रहे हो बच्ची के लिए, तो ये के बाद मैं परंजीत बढ़ा रही चलो रिपोर्ट भी कर रही। भोरा पंचायत से सरपंच पति और ग्रामीण पहुंचे पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल से गुहार लगाने। बताया जा रहा है कि मुन्नालाल नरवरिया जो कि इस गांव में हो रहे कार्यों को देखरेख करने के लिए इंजीनियर है, वह आए दिन ग्रामीणों से पैसा मांगते हैं और पैसे न देने के एवज में मारपीट भी करते हैं। वहीं कमलू ने बताया कि 4 फरवरी को इंजीनियर मुन्नालाल नरवरिया 6:30 बजे शराब के नशे में धुत होकर कमलू के पास पहुंचे और उससे पैसों की मांग करने लगे। पैसे न दे पाने की वजह से मुन्नालाल ने कल्लू के साथ मारपिटाई कर दी, जिसके बाद कमरू को बचाने के लिए सरपंच पति मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने बमुश्किल दोनों को अलग किया, जिसके बाद सरपंच पति अपनी गाड़ी में इंजीनियर मुन्नालाल नरवरिया को लेकर आ गए, जिसके बाद सरपंच पति झागर पहुंचे और उन्होंने उपयंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया, जिसके चलते कल मेडिकल कराने के लिए गुना चिकित्सालय में भर्ती हैं। वहीं उपयंत्री ने मौके की नजाकत को भांपते हुए गुना हरिजन थाने में सरपंच पति के खिलाफ हरिजन एक्ट में मामला दर्ज करवा दिया। इसी बात की शिकायत लेकर ग्रामवासी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। अब देखना यह हुआ कि पुलिस इस मामले में क्या कार्य करती है, या फिर वह भी एक फर्जी मामला बनकर रह जाएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि हरिजन एक्ट का दुरुपयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। मारपीट करी है और झाग चुप झाग चौकी वाला भी है ना वहाँ पर, सब हो गया। प्रधानमंत्री आवास मामला मैंने साहब 5,000 रुपये दे रहे थे। कौन जाएगा को इंजीनियर 5 और मांग रहा था, उसके बदल विवाद हो गया। कौन इंजीनियर है? मुन्नालाल है नरवरिया। अच्छा, तो फिर उसके बाद? फिर बाद जब मैंने पैसा नहीं गई, मैंने कहा यार भाई ये पैसा नहीं है, तो मेरी मारपीट करी सरपंच में, भक्के बुलावेगा तो मान लो सरपंच ने बीच बचाव करो हम झाड़ मार दें, देखना जी। हाँ हाँ, फिर उसके बाद लेके बस जीप से आया। तो इसका आपने FIR करवाई थी? करवाई, मेडिकल भी करवाई। SP साहब से मिले अभी आप? अभी मिल गए। मामला नहीं है साहब, हमारे इंजीनियर साहब बार बार पैसे मांगते हैं। कौन इंजीनियर?
मंगल वो है मुन्ना लाल नरवरी, पैसे नहीं देते। किस बात का पैसा मांगते हैं ये? काम कराने के, अच्छा काम करते हैं तो भी पैसे मांगते हैं और पैसे नहीं निकलाते हैं। और पीएम आवास में इनका विवाद हो गया था कमलू जी का, इनसे कुछ 5,000 रुपये ले भी लिए थे। उसके बाद मुझे इनका कोई बच्चा आया कहने के लिए कि वो इंजीनियर साहब ऐसे ऐसे मारपीट कर रहे हैं हमारे पिताजी के साथ, तो मैं गया, मैंने बीज बचाव किया, बीज बचाव करके और गुना में छोड़ गए इंजीनियर साहब को, दोनों नशे में थे। तो इसकी एफआईआर करवाई थी क्या? एफआईआर करवाई? एफआईआर करवाई मगर अभी हुई नहीं। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी के बैनर तले आयोजित एक कार्यक्रम में बच्चों को रॉकेट की कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया कि किस तरह से रॉकेट बनाया जाता है और किस तरह से उड़ाया जाता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। ऐसे इसका भी है पर ये आपके घरों वगैरह में नहीं गिरता है, बहुत बड़ा होता है, नहीं गिरेगा। रॉकेट जो है वो 4 हिस्सों में बना होता है, ऐसे करके रॉकेट होता है। तो इसमें ये जो टैंक लगे होते हैं यहाँ पे सैटेलाइट होती है, ठीक है, जो भी सैटेलाइट आपने देखी होगी वो इस तरह की जो सैटेलाइट है पैनल लगे होते हैं वो समझ। तो और भी बहुत जगह है, अगर ब्लास्ट या कुछ फेल हुआ तो नुकसान नहीं होगा। और कुछ और किस इसरो में जिस ढंग से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है, और इसरो में कैसे जाया जा सकता है इसके बारे में उन्होंने बच्चों के बीच में जानकारी दी है। दूसरा, कैसे एक छोटे छोटे इनोवेटिव आइडियाज़ के जरिए भी बच्चे भी छोटी छोटी खोजों को कर सकते हैं और वो भी साइंटिस्ट की कैटेगरी में आ सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बच्चों को मार्गदर्शन दिया है। और ब्रेक टू साइंस सोसाइटी लगातार इस तरीके के साइंटिस्टों को माने बुलाता रहा है और आज भी ब्रेक टू की तरफ से इस कार्यक्रम को यहाँ पर रखा है। गायत्री परिवार द्वारा गायत्री मंदिर पर आज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन में 3 जोड़ों की शादियां कराई गईं। इसमें विशेष बात यह रही कि ये शादियां निःशुल्क कराई गईं। साथ ही गायत्री परिवार के द्वारा भ्रूण हत्या पर्यावरण बचाने के लिए भी संकल्प दिलाया गया, जिसके तहत सभी जोड़ों को यह संकल्प कराया गया कि वे अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष तो जरूर लगाएंगे और उसकी देख रेख भी करेंगे। सर्वदा ओम गंधाद्वारं द्वारं पुष्टां करिष्यं ईश्वरेश्वर भूतानां तामोहोपये प्रियं। भाव के साथ एक दूसरे को तिलक लगाएं, दुल्हा दुल्हन और कन्यादान वालों को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं वा। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित आधार सेंटर पर घंटों खड़े रहे मासूम। बताया जा रहा है कि ये मासूम बच्चे अपने आधार कार्ड बनवाने के लिए कलेक्ट्रेट प्रांगण में खड़े थे। कई घंटों बाद जब इन नौ निहालों की बारी आई तब जाकर इनके आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। बता दें कि ये सभी मासूम बच्चे स्कूल की ड्रेस में अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए पहुँचे थे। सरकार के आदेश अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई का लगना अनिवार्य है। इस जनसुनवाई के माध्यम से गरीब एवं लाचार लोगों की शिकायतों का निराकरण किया जाता है। इसी के तहत आज कलेक्ट्रेट परिसर में लोग अपनी परेशानियों को निपटाने के लिए जनसुनवाई में पहुंचे, जिसके तहत ग्राम मानपुर से आए ग्रामीणों की शिकायत थी कि उन्हें अभी तक भावांतर योजना के तहत कोई भी लाभ नहीं मिल पाया। इसी बात की गुहार लगाने ग्रामीण पहुंचे कि जल्द से जल्द उन्हें भावांतर योजना का पैसा दिलवाया जाए। मंडी वाले ने लिस्ट में नाम डाल दा तो सर जी मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान की जाएगा, खाते में पैसा नहीं आए। अच्छा, और मंडी में पहुँचा देते हैं सर भी, मंडी वाले कुछ बात ही नहीं करें।
बगाए धक्का मक्की लगा कंका चुके थे ये चेक करा। आपने पहले आवेदन दिया तो क्या क्या कहा कलेक्टर साहब ने? देखा सर मुझे जाइए तो क्या कहा उन्होंने? जब कही थी कही देखेंगे तीर आप काम हो जाएगा ना ना ही कहे ना ही करे। हाँ साहब 5 मिनट दे चुके साहब, दरखास्त दे चुके कलेक्टर साहब को दे चुके और कोई सुनवाई नहीं है। पैसा वही सब बहुत आगे डाल रहा है, पैसा नहीं है हमारे के साहब बरखेड़ी निवासी वीरेंद्र पहुंचा जनसुनवाई में। वीरेंद्र का आरोप है कि 6 साल बीत जाने के बाद भी उसके पिता के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं और चोरी हुआ ट्रैक्टर भी आज तक जब्त नहीं किया गया। इसी आशय से यह जनसुनवाई में आया कि समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो जाएगा। बता दें कि सन 2012 में युवक वीरेंद्र के पिताजी की हत्या कर चोर उनकी ट्रैक्टर और ट्राली साथ ले गए। वहीं पुलिस ने कायमी करते हुए ट्राली को तो जब्त कर लिया और इनके सुपुर्द भी कर दिया, पर आज तक ट्रैक्टर का पता नहीं चल पाया। वहीं युवक भी कई बार थाने जाकर खाली हाथ वापस आ गया और इसी आशा में आज जनसुनवाई पहुंचा कि कलेक्ट्रेट के हस्तक्षेप के बाद शायद उसकी सुनवाई हो सके। जी हमारा केस है पुराना, 6 साल लगभग, 1 तारीख 9 महीने 2012 में केस हुआ था है। पुलिस द्वारा कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। किस संदर्भ में केस हुआ था? मेरे पिताजी को ख़त्म कर गए थे और ट्रैक्टर ट्राली ले गए कुछ, और इसके बाद में पुलिस ने अब सारे मुलजिमों को भी गिरफ्तार कर लिया है और ट्राली भी हमें जब्ती में दे दी है, लेकिन ट्रैक्टर का कोई पता नहीं, पुलिस गुमराह कर रही है। पहले मारपीट हुई थी? हाँ। तो ट्रैक्टर कौन ले गया था? चोर लूट कर ले गए थे। कुछ आरोपी हैं जैसे मनोज यादव है और मुकेश भील है और मौसम खां, जुबेर खां, जे आरोपियों ने मतलब मिलकर पिताजी को ख़त्म कर दिया था और ट्रैक्टर ले गए और पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन ट्रैक्टर जब्त नहीं किया अभी। ट्राली हमें जब्ती में दे दी गई है और ट्रैक्टर का कोई पता ही नहीं, पुलिस गुमराह कर रही है, ना ही कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं। तो आप क्या चाहते थे अंदर जन सुनवाई क्या शिकायत लेकर आए थे? जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को देने आए थे कि इस ट्रैक्टर हमें जब्ती में दिया जाए और इन लोगों को इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भोजपुर थाना अंतर्गत ग्राम घटोली में राजलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि 2 युवक मोटरसाइकिल पर किसी काम से चेक पोस्ट के समीप जा रहे थे, वहीं तेज गति से आते हुए एक ट्रक से टक्कर हो जाने के चलते गुना निवासी एक युवक की मौत हो गई। परिजनों को आरोप है कि जिस कंपनी में ये लोग कार्य कर रहे थे उनकी गलती के कारण युवक की मौत हुई है। वहीं राजलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन की ओर से कहा जा रहा है कि भोजपुर थाने के अंतर्गत पहले ही शिकायत कर दी गई थी और दोनों युवक काम खत्म होने के बाद अपने किसी निजी कार्य से जा रहे थे। एक भी आदमी वहाँ पर संभाल नहीं आया लड़के को। कल 7 बजे लड़के की मौत हुई थी और कल 7 बजे से लेकर सुबह तक 9:30 बजे तक भी तुम लोग ये बोलते रहे कि लड़का तुम्हारा जिंदा है, लड़का तुम्हारा खतरे से बाहर है। तुमने आखिरकार ये झूठ क्यों बोला? दूसरी बात, तुम्हारी वहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं थी, सारी सारी गाड़ियाँ तुमने वहाँ से फरार करवा दी और तुमने वहाँ का जितना भी स्टाफ था सारे स्टाफ को भगा दिया। ये लाश देख लो। ए भाई चाचा बोले यार, डीजीएन न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।